हैदराबाद, जिसको निजामों का शहर भी बोला जाता है। 1591 शताब्दी में मूशी नदी के किनारे कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया शहर, जिसका पहला नाम भाग्यमती नाम की एक महिला के नामानुसार भाग्यनगर रखा गया था। फिर कुली कुतुब शाह ने जब उस महिला से शादी की, तब भाग्यमती का नाम चेंज होके हुआ हैदर महल, और साथ ही साथ भाग्यनगर का भी नाम चेंज हुआ और हुआ हैदराबाद, जो 80 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ आज इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है। हैदराबाद का इतिहास अपने आप में ही एक अनोखा है, क्योंकि 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, परंतु हैदराबाद ने उस टाइम आज़ादी से मुखर गया। हैदराबाद साफ साफ बोल दिया, हम लोगों को इंडिया के अंदर आना ही नहीं, हम लोगों को चाहिए अलग से स्वतंत्रता, अलग से आज़ादी। अजीब बात, हैदराबाद आता तो इंडिया के अंदर ही है, परंतु चाहिए उसको अलग से आज़ादी। पूरी देश जब आज़ादी के लिए मांग कर रही थी, पूरी देश अंग्रेजों से लड़ रही थी, सिर्फ हैदराबाद ने कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं की, बल्कि पूरा टाइम ब्रिटिश का ही लॉयल रहे और ब्रिटिश को ही सपोर्ट किए। हैदराबाद का 7th निज़ाम मीर उस्मान अली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि हैदराबाद का गोलकुंडा फोर्ट एक टाइम सबसे बड़ा हीरो का खनी था। कोहिनूर हीरा, जो अभी इंग्लैंड के रानी के पास है, वो भी यहाँ से ही निकाला गया था। 9 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू के साथ हैदराबाद का निज़ाम का खुद का आर्मी, एयरलाइन, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, पोस्टल सिस्टम, करेंसी, इवन दो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस भी था। और इसी वजह से 1948 में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलके करवाया था द फेमस पोलो अटैक, जिसके वजह से ही अब हैदराबाद इंडिया के अंदर है। ऐसा महसूस हुआ कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की गतिविधि चारमीनार के आसपास ही है। चारमीनार के आसपास घूमने से आपको हैदराबाद की सभी तरह की स्पेशलिटीज मिलेगा, हैदराबाद के मोती से शुरू करके ईरानी चाय तक, और यहाँ की सबसे फेमस हैदराबादी बैंगल्स या चूड़िया। ऑप्यूलेंट, ये चोमला पैलेस के लिए एकमात्र समानार्थक शब्द है। हमने निज़ाम के इतिहास के बारे में यहाँ बहुत कुछ सीखा है। निश्चित रूप से हैदराबाद में समय बिताने के लिए एक दिलचस्प पर्यटक केंद्र है। तेलंगाना भारत का सबसे फेमस कृत्रिम झील है हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर के बीच में एक टापू पे खड़ी की गई है गौतम बुद्ध की एक विशाल अखंड मूर्ति। ये झील हैदराबाद को अपना जुड़वा शहर सिकंदराबाद से अलग करती है। कहा जाता है कि थिंक बिरयानी तो थिंक हैदराबाद, मतलब सोचिए बिरयानी तो सोचिए हैदराबाद। आप हैदराबाद पे आए और बिरयानी ट्राई नहीं किए तो क्या किया आप? टीम कैलकाटेटिन लाने वाला है हैदराबाद का एक सीरीज, जिसमें होगा हैदराबादी बिरयानी, अरेबियन मंडी और ईरानी चाय के साथ ही साथ हैदराबाद का फेमस पर्यटन केंद्र जैसे चारमीनार, गोलकुंडा फोर्ट, चोमल्ला पैलेस और भी बहुत बहुत कुछ। ये था एक छोटा सा समरी हैदराबाद जाने का। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग जल्दी लौट आएंगे हैदराबाद का पूरी सीरीज लेके। दिस इज दीपायन अधिकारी फ्रॉम कलकत्ता 18 साइनिंग ऑफ।